रूपरे झलसिब पुरीर प्रसिद्ध शैवपीठ लोकनाथ मंदिर और ब्रह्मगिरीर अलारनाथ पीठ। मंदिर मरामति सह भक्त और श्रद्धालुओं पर रहिब मौलिक सुविधा, सेवायतों आर्थिक अवस्थार उन्नति व्यवस्था हेबो। एही मास्टर प्लान को अनुमोदन करिसेंती मुख्यमंत्री। लोकनाथ मंदिर विकास पर खर्च हेबो 28 कोटी और अलारनाथ को पीठर विकास पर खर्च हेबो 8 कोटी टंका। विलंबरे हेउ पछे एही दुई पीठर उन्नति पर पदक्षेप नेइथिबारु एहाकु प्रशंसा करिसेंती भक्त और सेवायत। 2014 नवेम्बर 15 तारीख रे एहर दायित्व नेलि, संपादक दायित्व नेलि। मो दायित्व नबा पोरे सेतबेळरे थिबा स्थानीय विधायक महेश्वर महांती के मध्य दाबीपत्र देइथिलु जे मंदिर उन्नतिकरण करा जाउ एवं से समय ठोर आरंभ कर आज पर्यंत जिते जन उपजिलापाल अच्छा समस्त पाखे आम पाखे आम दाबीपत्र पहुँचे जे प्रत्येक मंदिर किसी ना कि उन्नति होती। लोकनाथ मंदिर कौन से उन्नति होना जी भी उन्नतिकरण होती से केवल सेवायत निजुक ही कर। बाबा लोकनाथ हेउछंती महाप्रभु भंडार रक्षक, तेणु श्रीमंदिर दर्शन परे एठाकू आसी बाबा सानिध्य नहीं थांती भक्त। से हीपरी अणसर समय अलारनाथ मंदिर में लगी थाए भक्तों भिड़, तेरे विश्रामगार पानी जल आलोक व्यवस्था नथिबारु हैरान होउथिले लोके। एबे किंतु आउ रहिबनी समस्या, पीठर सौंदर्यीकरण सह प्रकल्प कम वर्षे मध्यरे सारिबाकु लक्ष्य धार्य होइछि। आमे चाहुचु वर्तमान यार प्रचार प्रसारण हो जेमती पुरी को समस्त तीर्थयात्री आसा ओडा बाहर से मैने लोकनाथ मंदिर को मध्य से प्रकार सृष्टि करा जाऊ, से प्रकार परिवेश सृष्टि करा जाऊ, से प्रकार रास्ता घाटर डेवलपमेंट हो। गत काली हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर चेयरमैनशिप रे लोकनाथ टेम्पल और अलारनाथ टेम्पल रा प्रोजेक्ट प्लान जो हमें तैयारी करथिलु सेटा को अप्रूव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर द्वारा कराई छी। लोकनाथ टेम्पल रा प्लान अराउंड 28 करोड़ रा छी और अलारनाथ टेम्पल रा प्लान अराउंड 8 करोड़ रा रहउछि। जेमती रिपेयर वर्क, ड्रेनेज प्रॉब्लम, ब्यूटिफिकेशन काम, इल्यूमिनेशन और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम ए सब जिनस को इंक्लूड कराई छी और नेक्स्ट 1 ईयर भीतर ए प्रोजेक्ट टा को कंप्लीट कर। पुरी को विश्व ऐतिह्य नगरी भाव गढ़ी तोलिया विभिन्न उन्नयनमूलक और सौंदर्यकरण कार्य चलता बेले लोकनाथ मंदिर और अलारनाथ मंदिर उन्नतीकरण घोषणा को नहीं बेस खुशी भक्त पर्यटक और सेवायत। पुरीर वीडियो जर्नलिस्ट गणेश दास आलोक आशुतोष और प्रियदर्शन महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।